अवर रामचंद्र की जय। महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणो भवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, गोस्वामी जी महाराज ने मनस के प्रारंभ में जिन अनेक भक्तों की वंदना की, उन भक्तों के जो विशेष गुण हैं उन्होंने उनका स्मरण किया। ये जो एक पंक्ति है और एक दोहा है, उसमें गोस्वामी जी श्री हनुमान जी के लिए पहले शब्द का प्रयोग करते हैं, वे महावीर हैं। और उन महावीर को मैं के प्रति मैं विनय अर्पित करता हूँ और धन्य है कि उन महावीर के गुणों का गायन, यश का गायन तो स्वयं प्रभु श्री रामभद्र अपने श्रीमुख से करते हैं। इतना ही नहीं, वे पवन कुमार हैं और दुष्टों के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं, ज्ञान के घनीभूत रूप हैं और स्वयं प्रभु श्री राम धनुष बाण धारण करके उनके हृदय में निवास करते हैं। वस्तुतः श्री हनुमान जी के लिए तो वही शब्द सर्वश्रेष्ठ है जिसमें गोस्वामी जी ने यह कहा कि सकल गुण निधानम, समस्त गुण आप में निवास करते हैं। और जामवान जी ने जब समुद्र के किनारे सारे बंदरों ने अपने बल का वर्णन किया और किसी को ऐसा विश्वास नहीं था कि वो समुद्र पार कर सकता है, पर वो सबने अपने अपने बल का वर्णन किया पर श्री हनुमान जी मौन थे। और तब उन्हें जागृत करने के लिए जिन वाक्यों का जामवान जी ने प्रयोग किया उसमें भी आप यही पाते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। इसको ये प्रकाश कम कर दीजिए, मुझे नहीं दे। उसका अभिप्राय यह है, यूं तो यह नियम है कि कोई व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों न हो, उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव नहीं होता। पर श्री हनुमान जी के लिए जामवान जी इसी वाक्य का प्रयोग करते हैं कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि जिसे आप न कर सकें। और अगर उनके चरित्र की विलक्षणताओं पर आप दृष्टि डालें तो आपको लगने लगेगा कि वे कितने रूपों में प्रभु के चरित्र में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और उस संदर्भ में जो प्रसंग कल आपके सामने चल रहा था, वस्तुतः श्री हनुमान जी प्रभु से जीव को मिलाते हैं और जिस तरह से उसके आध्यात्मिक रूप की चर्चा की गई थी, सुग्रीव मानो जीव है और वाली रूप कर्म से प्रारब्ध से वो डरा हुआ है, संतरस्त है, उसके भय के मारे भागता रहा। और ऐसी स्थिति में वाली तो उसका पीछा करता ही है, व्यक्ति कितना भी कहीं क्यों ना चला जाए पर कर्म तो उसके साथ निरंतर लगा हुआ है। और तब श्री हनुमान जी तो साथ में थे ही, यह पता चला कि एक ऋषिमुख पर्वत ही ऐसा स्थान है कि जहां पर बाल जो है वो नहीं जा सकता, क्योंकि मुनियों ने
बालक को श्राप दिया है कि वह ऋषिमुख पर्वत पर यदि आवेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी सांकेतिक कथा भी बड़े महत्व की है। ऐसा श्राप बालक को क्यों मिला और उसमें मानो एक बड़े महत्व का सूत्र है। एक कथा जो महाभारत में आती है कि मांडव्य ऋषि के द्वारा बाल्यावस्था में किसी कीड़े के ऊपर क्रांति का प्रयोग किया गया, वो कीड़ा मर गया और धर्मराज जब बाद में ऋषि गए तो धर्मराज ने कहा उनके संदर्भ में एक अनोखा निर्णय दिया कि इनको शूली पर चढ़ना होगा। और जब प्रश्न किया गया कि शूली पर चढ़ने का क्या तात्पर्य, जिन्होंने इतनी तपस्या की है, इतना श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया है, उसको शूली पर चढ़ना पड़े, इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो गया। और तब ऋषि मांडव्य ने, बड़े तेजस्वी थे, जब धर्मराज से प्रश्न किया और धर्मराज ने ये कहा कि कर्म का फल तो अनिवार्य है और तुमने बाल्यावस्था में एक कीड़े के शरीर में कांटा चुभाया, इसीलिए तुम्हें आज इस सूली के अग्रभाग पर बैठने की एक दुर्भाग्यपूर्ण दंड मिला। उसमें मांडव्य ने फटकारते हुए कहा कि तुम्हारा निर्णय विवेक शून्य है। बाल्यावस्था में जो बालक कार्य करता है वो तो कोई सोच करके नहीं करता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जानने के बाद कि यह धर्म है और यह अधर्म है, यह आचरण तो जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है तभी इसके सामने आता है। और तो ऐसी स्थिति में ऋषि मांडव्य ने कहा कि तुम विवेक शून्य हो, निर्णय लेने वाले को भी विवेकी होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और कहते हैं कि वही विदुर के रूप में उनका जन्म हुआ, दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ। मानो सांकेतिक कथा का तात्पर्य यह है कि माना तो यही जाता है कि कर्म फल अनिवार्य है, कर्म प्रधान विश्व करे रखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, लेकिन कर्म के साथ भी तो कुछ बातें जुड़ी हुई। इसका अभिप्राय है कि जो अपराधी बनकर के न्यायाधीश के सामने खड़ा है वह तो न्यायाधीश के द्वारा दंडित किया ही जा सकता है, पर न्यायाधीश के दंड में भी तो विवेक होना चाहिए। अगर वो विवेक शून्य होकर के क्रिया के नाते ही दंड दे तो कहीं विवेक शून्य है। ये बालिक के ऊपर प्रहार का तात्पर्य यह है कि अगर बालिक कर्म का प्रतीक है, जैसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म कपी से कप राज त्रास त्रसो हो, तो ये जो स्वयं बाली को दंड मिला क्यों मिला। और उसका उत्तर यही है कि जिस समय दुंदुभी राक्षस से युद्ध हुआ बाली का और बाली ने उस दुंदुभी का वध कर दिया, बाल के सामने तो रावण भी नहीं टिक पाता, बाल के सामने दुंदुभी राक्षस भी नहीं टिक पाया, लेकिन दुंदुभी को मारने के बाद बाली ने एक विचित्र कार्य किया। और वह कार्य क्या था, तो उस दुंदुभी राक्षस को ऊपर उठाया और इतने शक्ति से उसको फेंका कि ऋषिमुख पर्वत पर जहां मुनि लोग निवास करते थे वहां उसका शव जाकर के गिर पड़ा। उसके शव के टुकड़े जो है वो आश्रम में बिखर गए और तब मुनियों ने पता लगाया योग बल से यह कार्य किसने किया, तो ये पता चला कि वाली ने किया। और तब उन्होंने यह श्राप दिया कि ऋषिमुख पर्वत पर वाली यदि प्रवेश करता है तो उसको मृत्यु का ग्रास बनना होगा। अब बाली का जो मनोभाव है, चाहे व्यवहारिक अर्थों में बाली के चरित्र पर विचार करें और चाहे आध्यात्मिक अर्थों में, बाली में वह सबसे बड़ा दोष है जो अधिकांश कर्म परायण व्यक्तियों में, पुरुषार्थ परायण व्यक्तियों में, जो बुद्धिमान बलवान धनवान
विद्वान होते हैं उनमें दोष होता है प्रदर्शन प्रियता। कर्म में अगर यह वृत्ति आ गई कि मैंने जो कुछ किया है उसको लोग देखें, लोग जाने, उसका अभिप्राय हुआ कि उसके कर्म का वह परिणाम कर्मयोग न हो करके केवल अभिमान की दिशा में मुड़ गया, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति यही चाहता है, वो प्रशंसा चाहता है और प्रशंसा के लिए वो प्रदर्शन आवश्यक है। तो बाली का यही व्यवहार रावण के साथ था। रावण से युद्ध हुआ, रावण को परास्त कर दिया पर मारा नहीं, पर मारा ही नहीं, चलो छोड़ देते तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं किया। बाली ने रावण को बगल में दबा लिया और 6 महीने तक संसार में भ्रमण करता रहा। यही व्यंग है, मानो वह अभिमानी प्रवृत्ति वाला जो कर्म के प्रति इतनी महत्व बुद्धि है, इतना अभिमान और प्रदर्शन है कि उसको यह लगा कि अकेले में मुझसे रावण से युद्ध हुआ, मैंने हरा दिया, यदि मैं किसी से कहूं तो शायद लोग विश्वास न करें, तो क्या करना चाहिए। तो रावण को क्या बगल में दबाए हुए था, जैसे कोई कई लोग अपने सारे प्रमाण पत्र बगल में दबाए रहते हैं और अवसर पर दिखाते रहते हैं कि देखिए मुझे ऐसा मिला, ऐसा मिला, ऐसा सम्मान हुआ। तो वो तो वस्तुतः प्रमाण पत्र के रूप में रावण को दबा करके दिखाता चल रहा था, वही उसकी प्रवृत्ति है। और दुंदुभि के प्रसंग में भी वो और भी बुरा हो गया, वहां तो केवल दिखाने की चेष्टा थी, यहां तो दिखाने के लिए भी उसने चुनाव किया जहां ऋषि महात्मा निवास करते। वहां तो व्यक्ति को अभिमान शून्य होकर के जाना चाहिए सत्संग में ऋषियों के समक्ष, लेकिन वहां पर मानो उस शव को फेंक करके उसने अपने अभिमान का ऐसा प्रदर्शन किया कि जो कर्म को पवित्र बनाता है, और इसीलिए मानो उस वहां पर वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो श्री हनुमान जी का तो स्वभाव है, वो अपने स्वयं विशेषताओं को गुणों को प्रकट नहीं करते, पर वे तो सुग्रीव के साथ है और उनकी ही सम्मति से सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने पत्रिका के एक पद में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के गुणों का जहां पर वर्णन किया है, तो उसको पढ़ के कभी कभी ऐसा लगता है कि जो घटनाएं हनुमान जी के द्वारा हो की गई उसके लिए हनुमान जी का नाम ले तो ठीक है, पर जितनी घटनाएं रामायण में घटित हुई गोस्वामी जी हर घटना को हनुमान जी से जोड़ देते। तो अगर बाली का वध हुआ तो उस समय मेरे पत्रिका के उस पद में गोस्वामी जी कहते हैं, जयत्य अंजना गर्भ संभूत शुद्ध विविध कुल कैरव अंधकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोक गण शोक संताप हारी। और फिर घटना बोले बाल बध साल बध मुख हेतु, आप बाल के बध मुख हेतु है। हनुमान जी की विलक्षणता है कि सारे कार्य, और इसीलिए पौन पुत्र के रूप में जो उनका परिचय दिया गया, संसार में अनेक व्यक्ति सेवा करते हैं और सेवा करना कभी कभी स्वार्थ के लिए भी होता है और कभी प्रदर्शन के लिए भी होता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति यही चाहता है कि लोग उसको सेवक के रूप में देखें जाने। और वो प्रसिद्ध वाक्य तो आपने सुना ही होगा कि भाई वो व्यक्ति जिसके लिए कहा गया, जिसने कहा भाई मयूर नृत्य करता है, बोले हमने तो नहीं देखा, और उसके मुंह से निकला जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। मैंने महत्वपूर्ण नाचना नहीं देखना, और अधिकांश कर्म करने वालों की सबसे बड़ी प्रदर्शन की जो वृत्ति होती है वो वाली के चरित्र में विद्यमान। पर उस प्रदर्शन को भी एक सीमित अर्थ देना चाहिए कि अच्छा अन्यत्र प्रदर्शन करें तो कम से कम जहां सत्संग में जाए, महात्माओं के पास जाए, वहां पर तो व्यक्ति जो है अपने अहम का प्रदर्शन न करे। और इसलिए सेवा धर्म का जितना बड़ा आकर्षक स्वरूप पवन देवता में है, क्यों
अन्य प्रकृति के जो पदार्थ हैं हमें आपको दिखाई देते हैं, पर पवन देवता तो कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसा कोई रूप उनका नहीं दिखाई देता कि पवन देवता ये है, या रे अभी चित्र मेरा लिया जा रहा था, पर पवन देवता का तो कोई चित्र लेता नहीं। कोई पवन देवता का चित्र, उसका अभिप्राय कि उनको चित्र खिंचवाने की तो कोई इच्छा नहीं। और वो ऐसी स्थिति में मुझे याद आता है दिल्ली में प्रवचन में जब मैं चलता हूँ तो उस समय बिरला परिवार के सदस्य होते हैं, तो कई लोग बलात् घोषणा की चेष्टा करते हैं कि समाचार पत्र में चित्र निकलेगा तो हमारा भी तो साथ में निकल जा। मानो ये मानव स्वभाव है, और उसका अभिप्राय केवल केवल अहम की मिथ्या तुष्टि मात्र है। हनुमान जी तो पवन पुत्र है, पवन के द्वारा निरंतर प्राण का संचार किया जा रहा। हम थके हो तो वायु के झोंकों से हमारे शरीर की गर्मी शांत होती है, हमें शीतलता मिलती है, और अगर कहीं सुगंध के सामीप्य से पवन देवता का आगमन हुआ तो हमारा हमारी नासिका सुगंध से भर ओतप्रोत हो जाती है। मानो हनुमान जी का स्वभाव भी यही, हर कार्य के पीछे हुआ पर पवन पुत्र के रूप में। और इसीलिए जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता का प्रसंग आया तो रामायण में एक ऐसा प्रसंग है कि जहां पर विधिवत मैत्री के लिए का एक दृश्य सामने आया, या अग्नि जला दी गई। गोस्वामी जी ने कहा ऐसी मित्रता भगवान राम ने दूसरे से नहीं किया। अब निषाद राज भी उनके मित्र हैं, पर वहां तो अग्नि को साक्षी देकर के उन्होंने मित्र नहीं बनाया। विभीषण को मित्र बनाया तो भी अग्नि को साक्षी नहीं दिया, फिर सुग्रीव के प्रसंग में दिया गया। तो उसके पीछे मानो अभिप्राय है कि भाई गवाह वही रखना पड़ता है जहां पर थोड़ा संदेह हो। मानो प्रबलता के लिए लोग भी विवाह इसीलिए जो विधि विधान से लोगों के साथ समूह में करने का है, उसका अभिप्राय कि लोग देखें कि हाँ हमने अपनी आंखों से विवाह देखा। तो मानो ईश्वर जीव के संदर्भ में महत्व न होते हुए भी अग्नि जलाई गई, और अग्नि जलाए जाने के बाद जैसे जब विवाह के मंत्र पढ़े जाते हैं तो दोनों ओर के आचार्य होते हैं, और वो आचार्य अपने अपने पक्ष का जो मंत्र है, और उस मंत्र में आपने अगर विधि से विवाह को सुना हो, यद्यपि आजकल लोगों को समय कम ही होता है और सारे समय की कसौटी कटौती जो है वो विवाह के विधि में होती है, क्योंकि और बहुत से मनोरंजन होने हैं, तो चलो इसको भी कर ले। और फिर वो तो पंडितों को बता भी दिया जाता है कि 15-20 मिनट आधा घंटा में पूरा कर दीजिएगा, लेकिन वो विवाह का जो संस्कार है उसका जो एक एक चित्र है वो तो बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। तो इसलिए ये जो एक संकेत है अग्निदेव की साक्षी, ये अग्नि जो है कौही वस्तुतः सारी ये सूर्य चंद्र और अग्नि जो है कई इसको बहुत गंभीर अर्थों में लिया गया है। भगवान शंकर के जो तीन नेत्र हैं वो सूर्य चंद्र और अग्नि के भी स्वरूप हैं। तो ये अग्निदेव जो है ये शंकर जी की आंखों की जो मध्य की दृष्टि है, जिस दृष्टि के खुलते ही काम जल करके भस्म हो गया, ये उसका अग्नि गुण है। तो अग्नि को महत्व दे करके साक्षी दे करके मानव जीव और ब्रह्म के संबंध की स्थापना, और उसमें जो आचार्य होते हैं वो परिचय देते हैं, वो साक्षोच्चार एक शैली है जिसमें तीन पीढ़ियों का नाम लिया जाता है वर पक्ष का, और तीन पीढ़ियों का नाम कन्या पक्ष का, और उनकी विशेषताओं का संकेत किया जाता है। अब यहां पर दो आचार्य के रूप में दिखाई पड़े, अग्नि जला दी गई, और अग्नि जला देने के बाद लक्ष्मण जी तो मानो प्रभु के पक्ष के आचार्य ठीक ही है, श्री लक्ष्मण से बढ़कर के भगवान के प्रभाव को महिमा को जानने वाला और कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी जब किसी को जनाते हैं, अगर निषाद राज के हृदय में ब्रह्म हुआ मोह हुआ तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि श्री राम कौन है, ब्रह्म का क्या रूप है। तो स्वाभाविक रूप से गोस्वामी ने लिखा कीन प्रीत कछु बीच न रखा, एक एक शब्द बड़े अनोखे, देखें तो दो व्यक्तियों के बीच में अग्नि तो दिखाई दे रही,
कहने लगे कि भले ही अग्नि बीच में दिखाई दे रही है पर दोनों के बीच में कुछ नहीं, बीच माने दूरी, बीच माने भेद। उसका अभिप्राय कि अकीन प्रिय थी, कैसे बल कछु बीच न रखा। और तब आचार्य का कार्य किसने किया, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव का वर्णन करते हैं, रामायण में प्रभु के प्रभाव को श्री लक्ष्मण से बढ़कर के कोई नहीं जानता। वे प्रभाव भी जानते हैं, स्वभाव भी जानते हैं, लेकिन उनको यही अच्छा लगता है कि प्रभु के प्रचार प्रभाव का प्रचार हो, स्वभाव का न हो। और इसके पीछे उनकी भावना ये है, प्रभु स्वभाव से बड़े भोले, बड़े उदार हैं। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि अगर प्रभु के स्वभाव को बहुत लोग जान लेंगे तो अनचो दिलाभ उठावेंगे, इसलिए वो प्रभाव ही लोगों को बताना चाहते हैं। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जहत मत धीरा। तो जिस समय सती जी सीता जी का वेश बना करके परीक्षा लेने के लिए आई, लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान राम के समझने का तो प्रश्न ही क्या है। लक्ष्मण जी भी पहचान गए, लक्ष्मण दीख उमा कृत देखा, लक्ष्मण जी ने उमा के बनाए हुए वेश को देखा। क्या तात्पर्य हुआ, उमा नाम अभी तक सती का नहीं था, उमा नाम तो जब उन्होंने अगला जन्म पार्वती के रूप में लिया और जब वे तपस्या के लिए जाने को प्रस्तुत हुई और माँ ने रोका और नहीं रुकी, उसमें उनका नाम हो उमा, निषेधात्मक तपस्या के लिए मत जाओ। ले इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उमा का वेश देखा, सती का वेश कह सकते हैं, लक्ष्मण देख सती कृत देखा, तो दोनों शब्दों में कोई चौपाई में अंतर नहीं पड़ता। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतने सर्वज्ञ हैं कि जिस समय उन्होंने सती जी को सीता जी के रूप में देखा, ये क्या हो रहा, सती जी ये क्या कर रही, ये हमारे जगत जननी जगदम्बा सीता का रूप बना करके क्यों आ गई है। उमा माने, फिर ध्यान से सब जो सोचने लगे तो समझ गए कि इसकी समाप्ति उमा बनने तक होने वाली, उमा का जो भविष्य है वो भी दिखाई दे रहा, लेकिन गंभीर इतने कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। बड़े शांत भाव से बोले, इनके और प्रभु के बीच में जो अनोखा संवाद होना है उसको हम देखते हैं। तो प्रभु का प्रभाव और सर्वज्ञ श्री लक्ष्मण है, ये रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ही एक ऐसे पात्र हैं भगवान के भक्तों में जिनमें सर्वज्ञता का भी दर्शन रामायण में कराया गया। भरत जी महाराज हैं, वो उनकी सर्वज्ञता का कोई दर्शन रामायण में नहीं होता। श्री हनुमान जी महाराज शंकर के रूप में सर्वज्ञ हैं पर रामायण में उनकी सर्वज्ञता का दर्शन नहीं होता, पर लक्ष्मण जी की सर्वज्ञता का, चाहे ये प्रसंग हो और चाहे भगवान राम धनुष तोड़ने चले हों और लक्ष्मण जी तुरंत आदेश देते हो पृथ्वी को शेष को सावधान हो जाओ। लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को चरण चापी ब्रह्मंड और आदेश दिया, दृश्य कुंजर हो कमठ अहि कोला, धरणी धरो धर धीरन डोला, राम चहि शंकर धनु तोड़ा, अहो सजग सुन आयो सुनोरा, मेरी आज्ञा है तुम लोग सावधान हो जाओ। तो श्री लक्ष्मण प्रभु का प्रभाव जानते हैं, स्वभाव तो उनसे बढ़कर के कौन जानेगा, लेकिन वे जानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति अगर किसी के स्वभाव को जान ले, ये तो बड़े उदार हैं, बड़े क्षमाशील हैं, दूसरे का दोष नहीं देखते, तो बहुत विरले व्यक्ति होंगे कि उससे उनके हृदय में दुरुपयोग करने की इच्छा ना, और चलो इनसे लाभ ले ही लो। जब इनका ऐसा स्वभाव है दोष नहीं देखते तो दोष करने में क्या डर है, जब ये रुष्ट नहीं होना जानते तो कोई भी कार्य करो इनको तो क्रोध आएगा नहीं। इसलिए शंकर जी ने कह दिया कि पार्वती, यह राम का स्वभाव सही अर्थों में जो जान लेगा वो तो भजन छोड़ के कुछ नहीं करेगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव डाना। वो तो लगेगा, अरे हमारे प्रभु इतने उदार है, इतने सरल है, इतने क्षमाशील है, तो हम ऐसे प्रभु के दास होकर के कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हमारे प्रभु के यश के विरुद्ध कोई संसार में अपवाद फैले। तो प्रभाव के आचार्य, और इसलिए
जब मित्रता होने लगी तो लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु का स्वभाव तो ये देख रहे, क्यों समझ गए। हनुमान जी ने स्वभाव ही का तो बहाना ले लिया, और स्वभाव का हनुमान जी स्वभाव का पक्ष लेते हैं, लक्ष्मण जी प्रभाव का पक्ष लेते हैं, और आवश्यकता तो दोनों में, दोनों प्रभाव को भी जानिए और स्वभाव को भी जानिए। तो वो प्रभाव जानने के कारण जब अग्नि जलाई गई तो साक्षी में लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया, हमारे प्रभु कैसे महान है, क्या है कैसे। अब श्री हनुमान जी के लिए उनकी एक अनोखी भूमिका है जो लक्ष्मण जी से थोड़ी अलग है। कब ठीक है, अगर वो लक्ष्मण जी उधर के वक्ता थे, आचार्य कह लीजिए, तो इधर हनुमान जी उनके पास रहे हैं, हनुमान जी परिचय दे दे। पर गोस्वामी जी कहते नहीं, हनुमान जी ने एक नया कार्य किया। क्या? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुना है। हनुमान जी ने प्रभु की कथा सुग्रीव को सुनाई, और सुग्रीव की व्यथा भगवान राम को सुनाया, और इस तरह से उन्होंने एक भूमिका बना दिया। क्योंकि प्रभाव से व्यक्ति डर जाएगा, और प्रभाव से डर न जाए तो भगवान राम के स्वभाव का पक्ष भी उसके जीवन को, व्यक्ति को आकृष्ट करता है। इसलिए उन्होंने केवल सुग्रीव की चर्चा नहीं सुनाई। और तब पावक साखी देई कर जोरी प्रीत दृढ़ा है, अग्नि की साक्षी देकर के दृढ़ प्रीति की है। मानो संकेत था, दो व्यक्ति की मित्रता है, और अग्नि प्रज्वलित कब होती है, लकड़ी का और अग्नि का संयोग हो तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। अगर लकड़ी ना हो तो अग्नि अगर कुछ कण भी होगा तो समाप्त हो जाएगा, और केवल लकड़ी न हो और अग्नि न हो तो उस लकड़ी में लहकता नहीं आएगी। तो मानो मित्रता क्या होगी, लकड़ी है जीव और ईश्वर है मानो अग्नि, अग्नि के रूप में प्रभु का प्रकाश, प्रभु की ऊष्मा व्यक्ति को प्राप्त होती है, मित्रता हो गई। तो मानो सुग्रीव यदि लकड़ी के समान तो प्रभु अग्नि के समान। पर प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा, कथावाचक तो आप बहुत बढ़िया ही है, आपने परिचय भी किया तो कथा ही सुना के किया, पर यह न भूलिएगा कि अग्नि और लकड़ी को देख करके लगता है कि लकड़ी और अग्नि अगर हो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, पर यह तो तुम्हें पता है कि अगर हवा न चले तो लकड़ी और अग्नि भी बुझ जाए, और तुम तो पवन पुत्र हो, अगर ये मित्रता चैतन्य रहेगी तो वो तो तुम्हारे द्वारा ही रहेगी। यह एक सांकेतिक भाषण थी और वह हुआ, आगे चल करके आप देखेंगे, और वही है भगवान राम ने जिस तरह से उस प्रसंग को विस्तार से लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम के द्वारा बालिका वध हुआ, और बालिका वध होने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सिंहासन पर मैं बैठा रहा हूं तुम्हें, मैं नहीं, मेरा भाई लक्ष्मण जाएगा और तुम्हें सिंहासन पर बैठाएगा, लेकिन राजपद का उत्तराधिकारी बालिका पुत्र अंगद होगा, तुम्हारा पुत्र नहीं। राज जी ने सुग्रीव का अंगद कहा युवराज, और तब प्रभु ने सुग्रीव से विदा करते हुए यह कहा कि तुम जा अंगद के सहित राज्य चलाना, मनमन नहीं करना कि नहीं हम राजा हैं, हम बिना अंगद के सम्मति से जो निर्णय करेंगे वो निर्णय ठीक होगा। याद रखना, यह सारा सामंजस्य जो समाज का है, परिवार का है, वो यही है कि बड़े और छोटे के क्रम में भी अगर छोटे का कर्तव्य बड़े का सम्मान करना है तो बड़े का भी कर्तव्य है कि वो छोटे को महत्व दे, उसको उसकी सम्मति को सम्मान दे। तो भगवान ने कह दिया क्या, अंगद सहित करे वो तुम्हारा जो, पर उसके साथ साथ एक वाक्य प्रभु ने जोड़ दिया था। एक सबसे पहले दिन जब मित्रता हुई थी तो क्षण भर के लिए वैराग्य का एक नशा सुग्रीव का झोंका आ गया, और भगवान से कहने लगे कि बस ऐसी कृपा कर दो कि हम सब कुछ छोड़ के भजन करें। भगवान हंसने लगे, सब कुछ छोड़ के भजन की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ दे रहा हूं, तुम संसार के विषयों का भी आनंद लो, राज्य भी करो, हाँ लेकिन अब इतना तो करना ही,
कि संतत हृदय धरहु मम काजू। इस बात को नहीं भूलना कि सीता जी का पता तुम्हें लगाना है। ये केवल सुग्रीव के लिए नहीं, ये हम सब के लिए प्रभु का संदेश। राज्य करो, काम काज करो, सब कुछ करो, पर सीता जी के विषय में उनका पता लगाना, भक्ति को नहीं भूल जाना है, उनका पता लगाना है। लेकिन हनुमान जी ने स्वभाव के द्वारा मित्रता कराई थी और स्वभाव का दुरुपयोग सुग्रीव ने अच्छी तरह कर डाला। क्यों? अब भगवान श्री राम ने राजा बना दिया, राज्य लेने के बाद अब इतने वर्षों तक वो भागते फिरे थे, पत्नी से दूर थे, परिवार से दूर थे, सुख से दूर थे, अब वो मिला तो फिर उसी में डूब गए। और अगर कभी प्रभु के वाक्य की याद भी आई तो जैसा जीव धोखा देता है वही अपने को धोखा उन्होंने दिया। और उन्होंने यही सोचा कि प्रभु ने यही तो कहा है कि मेरे कार्य का ध्यान रखना, कोई समय नहीं बताया उन्होंने, कोई ये तो नहीं कहा कि कितने दिनों में। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं, भजन करेंगे पर जल्दी क्या है, फिर करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो करेंगे। मानो ऐसा जीव अपने को भुलावा देता है और भुलावा दे करके वो ईश्वर और भक्त को भुला देता है। यही सुग्रीव के जीवन में स्वभाव का दुरुपयोग हुआ। और तब अब यहाँ पर बहुत ही मनोवैज्ञानिक एक सूत्र है जो व्यवहारिक जीवन में भी और पारमार्थिक जीवन में भी बड़ा महत्व है। कई बहुधा वाक्य कहा जाता है निडर बनो, तो आजकल तो लोग इतने निडर बन गए हैं, निडर चाहे न हो पर निडर होने का दिखावा बहुत हो रहा है। डरना अच्छा है कि निडर होना अच्छा है? रामायण में इसका बड़ा सुंदर प्रयोग श्री हनुमान जी के द्वारा किया गया, और जो किया गया भगवान राम के चरित्र में भी वही, और हमारे आपके लिए भी वही उपयोगी है। अभी प्रवचन जहां जहां चले, कई सज्जनों का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, आप चुनाव के विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं चुनाव के विषय में तो बोल रहा हूँ, हनुमान जी के पक्ष में चुनाव कर रहा हूँ। अब वो जो श्री राम का हनुमान जी का, तो उसका अभिप्राय है कि वो तो है शाश्वत, आप चुने न चुने वो तो आपकी भूल है, लेकिन वो तो उनका चरित्र, उनका जीवन, वो तो हमारे लिए सर्वदा ही कल्याणकारी है, प्रेरक है। तो वस्तुतः आप देखेंगे ये भय और अभय, पहले हनुमान जी ने सुग्रीव का डर छुड़ाया क्योंकि सुग्रीव डरे हुए थे, और बाद में हनुमान जी ने सुग्रीव को डराया। ये सूत्र है महत्वपूर्ण, भले ही गीता में यह वाक्य है कि अभयम सत्व संशुद्धि, अभय जीवन में स्थापित होना चाहिए, पर अभय और भय इन दोनों का जीवन में, समाज में जब संतुलित उपयोग होता है तो सचमुच आपका, हमारा, परिवार का, समाज का जीवन सही दिशा में चलता है। और इसीलिए आप देखेंगे सत्य तो ये है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होता कि जिसमें भय न हो। यहां तक कि जहां अभय का प्रदर्शन होता वहां भी भय होता, यह बड़े मनोवैज्ञानिक बात। और वो जैसे एक वृत्ति होती है कि अगर व्यक्ति स्वयं कुछ डर जाए तो वो ऐसा दिखाने की चेष्टा करता है कि जैसे वो निडर है, और ऐसा दिखा करके वो अपने आप को थोड़ा धैर्य बढ़ाने की चेष्टा करता है। तो ऐसी स्थिति में सत्य तो यह है कि भय के इतने प्रकार हैं, और वो भय का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी प्रकार का भय न हो। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनके विषय में कहा जाए कि उनको मृत्यु का भय नहीं, पर केवल मृत्यु का भय ही तो भय नहीं है। कितने भय के शोकस्तान सहस्त्राणी भय स्थान सतानी च, शोक के हजारों क्षण आते हैं, भय के सैकड़ों अवसर आते हैं, और वो कितने प्रकार का भय होता। तो भय का होना और न होना केवल उसका एक ही सूत्र है। अगर भय का सदुपयोग किया जाए तो भय उपयोगी, अभय का दुरुपयोग किया जाए तो अभय भी अकल्याणकारी। कस वस्तुतः किस समय हमें भयभीत होना चाहिए और किस समय हमें निर्भय होना चाहिए, और किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, किस अवसर पर डरना उचित है और कहां डरना उचित नहीं। इसलिए रामायण में आप रावण को देखेंगे, रावण तो जगत विजेता है,
ग्रहों पर विजय प्राप्त कर लिया है, काल का भी विजेता अपने को मानता है, पर रावण डरता है कि नहीं डरता है? गोस्वामी जी वह चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिस समय वह सीता जी का हरण करके जाने लगा, और उस समय आकाशगामी विमान या रथ जो भी कह लीजिए, उस पर सीता जी को उसने बलपूर्वक बैठा दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने सूत्र लिखा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँके न जाए। रावण का हाथ कांप रहा है, एक साथ एक ओर तो हरण कर रहा है सीता जी, और दूसरी ओर भय उसके हृदय में, भय के मारे रथ भी हका नहीं जा रहा। उसका मनोविज्ञान यह है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति भी ऐसा कार्य करे, इसलिए गोस्वामी जी ने रावण की तुलना किया। पूछा गया, रावण हाथी है कि सिंह है? बोले, कभी उसका व्यवहार सिंह की तरह भी है, कभी हाथी की तरह है, पर आज का व्यवहार तो कुत्ते की तरह है, न सिंह है न हाथी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि देखो रावण की क्या दशा है। क्यों? बोले, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज बुद्धि बल लेसा, और जाके डर सुर असुर डरा ही, सारे संसार के लोग रावण से डर थे। निशे न नींद दिन अन्न न खाए, और हज सोई दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाए। आज वो कुत्ते की तरह, जैसे ग्रामीण कुत्ते और नगर वाले जो समृद्ध कुत्ते हैं उनकी बात नहीं है, पर वो जो गांव के बेचारे जहाँ भटकने वाले कुत्ते होते हैं, वो तो घर में अवसर देखते रहते हैं, किसी के घर में अवसर हो, कोई देख ना रहा तो भीतर घुस गए थे रसोई घर में, जाके कोई रोटी का टुकड़ा ले ले। तो वो प्रकार से जिस समय शुक और सारण भगवान राम की सेना में गए, रावण ने उनको गुप्तचर के रूप में भेजा था, और लौट करके आए तो उस समय अनोखा दृश्य था। तो लक्ष्मण जी ने उदारता पूर्वक उन्हें मुक्ति दिला दिया। जिस समय भगवान राम समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे, ये दोनों गुप्तचर सारा दृश्य देख रहे थे, और भगवान राम का उदारता, भगवान राम का शील, भगवान राम की सारी वृत्तियों को देख करके इतने प्रभावित हो गए कि ये भूल गए कि हम गुप्तचर हैं और बांदरों के वेश में आए हुए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि वो ये बात तो भूल करके आपस में कहने लगे, अरे वो हमारा स्वामी रावण कितना दुष्ट स्वभाव का है, कितना निर्दय है और कितना कोमल। अब आसपास बैठे बंदरों ने सुना, अरे ये तो कह रहे हमारा स्वामी रावण, अरे ये तो कोई लगता है लंका से आए हुए, इनको पकड़ो। पकड़ करके ले गए, प्रभु तो अनशन पर है उनके पास, तो ले नहीं जाया गया। सुग्रीव उसके पास ले गया, महाराज आप ही हम लोगों के राजा हैं, आप बताइए क्या किया जाए। तो बस उन्होंने कहा, बस एक ही उपाय, अंग भंग कर पठवो निश्चय, इनका अंग भंग करके लंका भेज दो। सुग्रीव में बदला लेने की बात आई, बोले हमारे दूत हनुमान गए तो रावण ने सुना के कहा कि अंग भंग कर पठवो बंदर, तो वहां तो उनका अंग भंग नहीं कर पाया, आज बदला लेने का अवसर है। और उन लोगों ने बार बार कहा कि देखिए, हम लोग जब तक कपट देश में थे आप लोग तो नहीं पकड़ पाए, और जब प्रभु के स्वभाव ने हमारा कपट छुड़ा दिया तो आप हमें दंड दे रहे हैं। बोले, बात बनाने से नहीं, घुमाने लगे। हनुमान जी को लंका में घुमाया गया था, बोले उनको पहले सेना में घुमाओ कि लंका के दो गुप्त चलाए हुए। और जब नहीं छोड़ने लगे तो लक्ष्मण जी ने दूर से देख लिया, और लक्ष्मण जी ने कहा कि लाओ इनको। सुग्रीव ने सोचा, मैंने तो केवल अंग भंग करने के लिए भेजा था, लक्ष्मण जी तो सीधे इनको यमपुरी भेजेंगे, तो उनसे डर लगता, ये अनोखी बात है। श्री राम से डर नहीं लगता, पर लक्ष्मण जी को देख करके तो भय लगता ही है। लेकिन आश्चर्य हुआ सुग्रीव को कि लक्ष्मण जी ने उनको दंड, मृत्युदंड की तो बात क्या है। सुन लक्ष्मण, हंस निकट बुलाए, दया लागी कबस तुरंत पठाए। बस बस, नहीं नहीं कुछ नहीं करना है। और बड़ा अनोखा कार्य किया, उन्होंने कहा आप लोग यहां से लंका ले जाइए, पर यहां से वहां से आप रावण के दूत बन करके आए थे, और यहां से मेरे दूत बन के जाइए, और एक पत्र मैं दे रहा हूं, वो पत्र रावण को दे दीजिएगा। और वो पत्र बड़ी कठोर भाषा में
श्री लक्ष्मण जी रावण के नाम लिखा था। और सचमुच ये ऐसे अनोखे दूत बने कि सच कहा जा सकता है कि जो तीनों दूत हैं अंगद, ऋषि, हनुमान, ये दोनों दूत इन्होंने तो इतना लंका में आतंक पैदा कर दिया कि इसकी कोई सीमा नहीं। लंबा वार्तालाप चला और ये कहा कि महाराज बात मेरी बात नहीं मानते तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्र भेजा है, नाथ बचाई जुड़ाओ छाती, किसी से पढ़वा करके छाती ठंडी कर लीजिए। तो रावण क्या अपड़ था क्या कि दूसरे से पढ़वा लो? मनोविज्ञान ये था कि पढ़ेगा तो थोड़ी बताओ क्या लिखा है, पर जब सुनाया जाएगा तो सब लोग सुन लेंगे। और दूसरा तात्पर्य है कि वस्तुतः लोग समझते हैं कि तुम्हारे पास 20 आंख है पर तुम तो अंधे हो, 20 लोचन अंध, तो पढ़ तो पाओगे नहीं सुन भर लो। और अब लक्ष्मण रावण की लाचारी हो गई। रावण अब ये तो नहीं कह सकता था कि हम स्वयं पढ़ेंगे, बिहस बाम कर खूब हंसा देनी रावण सचिव बोली सठ लागब चामन। लक्ष्मण जी ने कहा था अरे दुष्ट मूर्ख बातन मन ही रिझाई सठ जन खालस कुलखीस राम विरोधन उबरसी शरण विश्व जयिस कीत जी मान मनुजयो प्रभु मनुजयो प्रभु पद पंकज भेंगो हो राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अपने भाई के समान भय का अपमान छोड़ करके चरणों का आश्रय ले ले, नहीं तो निश्चित समझ ले तोरा तू सारे कुल के समान भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतना तेजस्वी पत्र था, रावण डर गया। बड़ा बलवान समझता था, मानता था, लोग समझते भी थे, लेकिन कुछ लोग उसी कला में निपुण होते हैं जो रावण में था। डर उसने प्रकट नहीं होने दिया। और गोस्वामी जी ने रावण का मनोविज्ञान बताया, सुनत सभय मन, मुख मुस्काई, होठों पर हंसी और मन में भय आतंक। बड़ा कठोर पत्र रखा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, भीतर भय। अधिकांश व्यक्ति अगर झांक के देखें तो जब वो अभय का दिखावा करते हैं तो भी भय ही होता है। और तब उसने कहा, खूब हंस करके कहा, लघु तापस कर बाग विलासा, अरे वो छोटा राजकुमार क्या शब्द रचना करने बैठा है उस तरह से उसने। और इन दोनों ने तो ऐसा संदेश दे दिया कि आतंक की प्रकाष्ठा हो गई। जब रावण ने पूछा कि वो नगर जलाने वाले बंदर का क्या नाम, वो आया था मैंने पूछा, उसने अपना नाम तो बताया नहीं, तो तुम बताओ उसका नाम क्या है, तो उन्होंने उसे नाम सुनाया सुख सारण ने, द्विविध है मैन नील नल अंगद गद विकटास दधिन को केहर सिसनेसा सठ जामवंत बलराज। तो ये जितने नाम है उसमें उस बंदर का क्या नाम है जिसने जलाया? तो माना उसका पता नहीं है जी, उसका पता नहीं लगा है क्यों? बोले महाराज मैं बड़ों का पता लगा के आया, जे पुर दहेउ हत्यउ सुत तोरा सकल कपिन महते बल थोड़ा, सारे बंदरों में सबसे कमजोर वही था। अब कितनी बड़ी सूची, उसमें किसका नाम मैं पता लगा था। अब बेचारे पत्र उनकी बात सुन करके तो लंका के राक्षस अनमरे हो गए कि जब सबसे कमजोर ने आकर के दशा किया तो बलवान हवेंगे तो क्या दशा होगी, वो कार्य बुरा हो गया। क्योंकि उसका अभिप्राय की चाहने का उद्देश्य ही था भय भी तो अगर हो जाए रावण और भय को छिपाने की चेष्टा न करे तो भक्त बनना बड़ा सरल है। और रावण की भी विडंबना यही है कि वो कभी भी अपने भय को वाणी से प्रकट नहीं होने देना चाहता। पर यह भय आप रामायण में देखेंगे कौन नहीं डरता, भगवान राम जिनके विषय में कहा गया महाराज ये जो सो फल भक्षक कठिन कराला तो डर डरत सदा सो काला, सारे ब्रह्मांड को खा लेने वाला एक काल भी आपसे डरता है। वो भगवान श्री राम डरते हैं कि नहीं डरते? क्या विश्वामित्र जी से आज्ञा लेके गए थे नगर दिखाई तुरंत ले आओ, पर जनकपुर वासियों के प्रेम में ऐसे बंधे कि उस समय जहां जहां बालक ले गए जाना पड़ा, लेकिन जिस समय लौट के आने लगे डर गए। लक्ष्मण गुरु जी से कहा था कि जल्दी आएंगे अब क्या होगा, तो स्वामी जी ने कहा जब गए तो सभय सप्रेम विनीता जैसे कोई डरा हुआ खड़ा हुआ हो,
भगवान राम हाथ जोड़ करके गुरु जी के सामने खड़े हो गए। गुरु जी क्या बतावें, कुछ ऐसा हो गया कि विलंब हो गया, मानो भगवान श्री राम स्वयं भी डर स्वीकार कर रहे हैं। और श्री सीता जी उस सोहटिका में प्रभु के सौंदर्य रस में डूब गई, पर जब सखियों ने एक मधुर भाषा में याद दिलाया कि पुनि आओगे है विरिया काली, समझ गए सीता जी डरी हुई, क्या बोले भयो विलंब मां तो भय मानी। कितनी बढ़िया बात, गुरु से डरिए, माता से डरिए, बड़ों से डरना अवगुण नहीं है कि सारी वीरता अपने से बड़ों के सामने ही दिखाई दे। और दूसरा अगर कोई शक्तिशाली आ जाए तो सारे वीरता का स्वांग छूट जाए। सीता जी भयो विलंब मां तो भय मानी। और लक्ष्मण जी डरते हैं कि नहीं, और स्वामी जी कहते हैं जिस समय जनक के मुंह से वाक्य निकले, लक्ष्मण जी के डरने की बात तो सभा की बात जाने दीजिए, रात्रि के समय प्रभु सोए हुए लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, ले उस समय जैसा क्या है सभय सप्रेम विनीत आती, बड़े डरे हुए, चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच उपाय, एक शब्द नहीं बोल रहे, बस डरे हुए, काहे के लिए डरे हुए, प्रभु जो है तुरंत कहेंगे कि बस बस सब तुम सो जाओ। लक्ष्मण डरते हैं और सभा में भी कहीं न सकत रहो वीर डर। और परशुराम जी ने जब पूछा कि तुम डरते हो कि नहीं डरते हो, मुझसे सब डरते हैं, सारे राजा भी दंडवत प्रणाम कर रहे, तुमने भी प्रणाम तो किया लेकिन लगता नहीं है कि तुम डरते हो, तुम अभय हो कि सभय हो? तो भगवान राम ने कहा मैं तो महाराज काल से भी नहीं डरता, काल हूं डर ही नहीं रहूं बंसी, लेकिन विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई, मैं आप जैसे महापुरुषों से डरता हूं। मानो उसका सूत्र यह है कि भय जीवन में तो स्वाभाविक है, उसका उपयोग जब हम अपने से बड़ों के प्रति करते हैं, गुरु के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, और जो श्रेष्ठ महापुरुष है उनके प्रति, तो मानो हमारा भय भी धन्य हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर डर के मारे हम जो चाहे लोग कहें और वही हम बोले वही करें, तो हमारा डर जो है कल्याणकारी, उसका एक ही सूत्र है, क्या? एक भय वह है जो प्रेम जन्य, और दूसरा भय वह है जो अज्ञान जन्य। अज्ञान जन्य भय छूटना चाहिए और प्रेम जन्य भय सदा बना रहना चाहिए, ये बस कोई निर्णय करे। हम डरे तो प्रेम के मारे डरे, कोई व्यक्ति बड़ा है बूढ़ा है तो उससे डरने का अर्थ इतना नहीं, क्या करेगा, नहीं नहीं, उससे हम प्रेम के नाते। तो ये जितने भक्त भगवान अपनी लीला में और भक्त दिखाते हैं वो सब के सब प्रेम के कारण भयभीत दिखाई दे रहे हैं। और यहां समस्या आ गई, बाल निर्भय, और उस निर्भय बाल ने उस निर्भयता का कितना दुरुपयोग किया, किस तरह से सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, उसको उसका पीछा करके मारने की चेष्टा किया, यह निर्भयता का दुरुपयोग था। और सुग्रीव भयभीत थे, भगवान ने सुग्रीव के भय को छुड़ा दिया, क्या वो प्रभु ने सुन करके कह दिया सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ऐमान, लेकिन जब उस निर्भय भय छूट गया हो गए निर्भय, और निर्भय हो गए तो निर्भय होने का दुरुपयोग करने लगे, क्या अपने को मान लिया प्रभु तो क्रोध करते नहीं और बड़े भोले भाले हैं, इसलिए समय तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन कुछ उल्टी बात हो गई। जब वर्षा ऋतु भी बीत गई, शरद ऋतु आगमन हुआ और फिर भी सुग्रीव का कोई अता पता नहीं, तो अचानक भगवान ने कहा लक्ष्मण देखा तुमने, सुग्रीव सुधि मोर विसारी पावा राजकोष पर नारी, और मैंने निर्णय किया है कि उसका वध करूंगा, उसका दंड दूंगा, और उसी बाण से जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, जय सायक मैं मारा बाली तेई सरा तो मूढ़ कहां काली। आश्चर्यचकित हो गए लक्ष्मण जी, ये आज प्रभु को क्रोध आ रहा है, और क्रोध आ रहा है और कह रहे हैं कि हम उसी बाण से मारेंगे, तो नहीं बात, पर एक ही शब्द थोड़ा सा लग रहा है कि इनका विचार क्या,
क्योंकि प्रभु ने कहा मारेंगे पर कल मारेंगे, तो कल को मारेंगे। धनुष है, बाण है, और वो तो एक ही बाण में उसको मारना सरल है। तो उन्होंने चरण पकड़ कर कहा प्रभु अब आप ही का बाण करेगा सब कुछ, तो मेरा बाण क्या करेगा, मुझे बाण को भी तो अवकाश दीजिए। बाली बड़ा भाई था उसका, आपके बाण ने वध किया तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के बाली का वध कराऊं। अब उसका अध्यात्म करते हैं कि कर्म से, कर्म भय से मुक्त होने पर भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न करे, इसलिए काल का भय। लक्ष्मण जी जो है अनंत भगवान है, शेषावतार है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं जाऊंगा। और भगवान राम का वर्ण भी काल है, वही आप लंका कांड के प्रारंभ में पढ़ते हैं, लौनवेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सर चंड भजसिन मनते राम कह काल जास को दंड। वाल्मीकि रामायण में दूसरी भाषा का प्रयोग है। भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव से जाकर के कह देना कि बाल जिस रास्ते से गया है वो रास्ता सकरा नहीं है, चौड़ा है, और तुम भी उसी रास्ते से जा सकते हो। यहां वो भाषा नहीं है, यह प्रभु कहते हैं उसी बाण से मारेंगे। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कराऊं तो अनोखी बात थी, अब प्रभु डर गए, कहले अच्छा लक्ष्मण तुम जाओ पर सचमुच मार मत डालना, क्या तुम सोचते हो कि मैं मित्र बना करके मार भी सकता हूं, मैंने आपके श्रीमुख से निकला। बोले उसको मारना क्या कठिन है, अरे वो तो डर के मारे अधमरा हो जाता, तो तुम उसको क्यों डराओ, डर छूट गया तो भगवान मुझे भी भूल गया, तो तुम इतने ही करना कि डर फिर से पैदा कर दो। लेकिन जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण अब मुझे ये डर लग रहा है कि ऐसा न डराना है कि वो अपना पुराना स्वभाव भागने का फिर सामने आ जाए। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव, क्या बोले भय दिखाए ले आओ, अरे मित्र है ना, उसको तो पास में बुलाना है, उसको भय दिखा करके ले आना। पास में बुलाने के लिए भय दिखाना है, दूर भगाने के लिए नहीं। बाद में दो सुग्रीव आए भी, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी आए, सब आए। प्रभु ने एकांत में लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने लक्ष्मण तुमने सुग्रीव को कैसे डराया। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा महाराज मुझे कहाँ अवसर मिला, आपने तो मुझसे दुगुना पहले हनुमान जी को बना दिया, मेरे भय दिखाने से पहले वो इतना भय दिखा चुके थे कि मेरे पास तो काम भी नहीं बचा। अरे हुआ हनुमान जी समझ गए कि सुग्रीव तो भगवान को बोल रहा, और तब वो पहुंच गए। और जब उन्होंने कहा सुग्रीव तो अब हनुमान जी के ऋण से तो मुक्त नहीं हो सकते, हनुमान जी ने कहा कि बहुत दिन से आपने कथा नहीं सुनी है, आज कथा सुनिए। पहले भी अग्नि की साक्षी देकर मित्रता हुई थी, कथा सुनाया था। सुग्रीव जी ने कहा कथा तो आप पहले भी सुन चढ़ा चुके हैं। बोले नहीं अधूरी कथा थी, अब पूरी सुनो। और सुनाते हुए उन्होंने कहा कि बाली को भगवान श्री राम ने जब बाली पर बाण चलाया तो बाण कहाँ गया, बोले लौट करके प्रभु के तरकस में आ गया। तो ये तरकस में क्यों प्रभु ने लौटा लिया, बोले वो शायद जिसको अपने से दूर भी भेजते हैं तो बुला लेते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। प्रभु ने शायद उस बाण को इसीलिए रख छोड़ा है कि अगर बाल के समान सुग्रीव भी गड़बड़ी करेगा तो उसी बाण से मारेंगे, वो बाण तुम्हारे ही है। हनुमान जी को गदा नहीं दिखानी पड़ी, लक्ष्मण जी के धमकारा में नहीं पड़ा, ऐसी कथा सुना दिया कि सुन सुग्रीव परम भय माना, भय नहीं डर के मारे। और उसका अभिप्राय क्या, भगवान जब जीव या कर्म से भय लगा तो भय छुड़ा दिया, पर जब भगवान से भी डरने लगे तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। और इसलिए भगवान का भय उन्होंने कथा के द्वारा उत्पन्न कर दिया। और तब उन्होंने कहा सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लेने हो ज्ञाना, सचमुच विषय ने मेरा ज्ञान हरण कर लिया, अब मारुत्सु तो दूत समूहा पठो जहत बानर जू। इसलिए लक्ष्मण जी जब तक आए तब तक बंदरों को बुलाने और भेजने का क्रम शुरू भी हो गया था। मानो श्री हनुमान जी कैसे अद्भुत है, डरा करके जीव को भय से मुक्त करते हैं, पर जीव भगवान से डरता रहे ये वह संकेत करते हुए सुग्रीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं। आज तक YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।